देखिए और अब देखिए, हाँ थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही रहा है। नई टेक्निक भी बताएंगे आपको पोलराइजर फिल्म हटाने की, इससे से। तो अब आप सोचोगे कि इतने सारे बबल आ गए, तो इनको तो देख के मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है। बढ़ती चली जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब किसी टीवी में पिक्चर धुंधली आ रही है, यानी कलर बहुत फीके आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमारा पैनल ख़राब हो गया है या उसकी पोलराइजर फिल्म ख़राब हो गई है, तो ये कैसे हम पता लगाएं दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये टीवी आया हुआ है हमारे पास, तो इसके अंदर ये चेक सिग्नल केबल जो है लिखा हुआ आ रहा है, और काफ़ी धुंधला आ रहा है, और कुछ दाग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो आ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में कई बार तो हमारा ध्यान जाता है कि कहीं इसके गामा सेक्शन में तो कहीं ख़राबी नहीं है, लेकिन गामा सेक्शन में वोल्टेज सारी चेक करने के बाद हमें ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं पैनल में जो एक पोलराइज़र फिल्म होती है, कहीं वो तो ख़राब नहीं हो गई है, वो एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो पोलराइज़र फिल्म जब ख़राब होती है, तो कई बार तो उस पे बबल जैसे बन जाते हैं, और कई बार कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो जैसा आप इसमें एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार दिखाना इधर, ये जो बबल अगर वीडियो में आप आ रहे हैं, ये खुरदुरी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं, तो कई बार तो ऐसे दिखाई दे जाता है कि भैया पोलराइजर फिल्म ख़राब है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ तो कोई बबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये फिल्म ख़राब है, तो यहाँ पर भी धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको दोस्तों हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पिक्चर हमारी धुंधली आए और पैनल बिल्कुल साफ ऊपर से दिखाई दे रहा है, तब भी आपको गामा सेक्शन चेक करने के बाद पोलराइजर फिल्म को बदल के देखना चाहिए, या फिर पोलराइजर फिल्म ऊपर से ही रख के देख लेनी चाहिए कि कहीं कमी पोलराइजर में तो नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक बार हम इस पे पोलराइजर फिल्म ऊपर से रख के कि क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम पोलराइजर इसमें एक्सचेंज करके ही देखेंगे। तो स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एलईडी टीवी रिपेयरिंग की वीडियोस आती रहती हैं, और अगर आपकी भी दुकान है एलईडी टीवी रिपेयर करने की, और आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एलईडी टीवी रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, और आपको करने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारी वीडियोस को देख करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। बस हम अपने जो सिखाने का जो हम लोग जो अपने चार्ज लेते हैं आप लोगों से, जो सिखाने की गुरुदक्षिणा जो लेते हैं आप लोगों से, वो बस इतनी ही लेते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने टेक्नीशियन भाइयों के ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों इसके अलावा एक और चैनल हमारा है, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक्स्ट्रा, तो आपको हमारा वो नया चैनल मिल जाएगा। आप उस चैनल पर भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें एलईडी टीवी से रिपेयरिंग से संबंधित और मोबाइल से रिपेयरिंग के संबंधित काफ़ी वीडियोस उस पर अब आती रहेंगी। तो आपको हमारे इन दोनों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। और आइए अब शुरू करते हैं इस काम को, इस टीवी को ठीक करना, और देखते हैं कि ये कैसे ठीक होता है। ये होती है दोस्तों पोलराइज़र फिल्म, और इस पोलराइज़र फिल्म में उल्टा सीधा भी देखना पड़ता है, और जब किसी टीवी की पोलराइज़र फिल्म ख़राब हो जाती है, तो जैसा कि भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिक्चर धुंधली हो जाती है, तो एक बार ये लगा के देखने से अगर पिक्चर डार्क हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि पैनल की पोलराइज़र फिल्म ही ख़राब है। तो आइए एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं चेक करने की। तो यहाँ पर एक बार अभी दिखाइए एक बार, ये नो सिग्नल आप देख रहे हैं, और अभी पोलराइज़र फिल्म लगाने के बाद क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कोई, ये उल्टी और सीधी। तो यहाँ पे डार्क हुआ है, ये कलर पहले हल्का है और अब डार्क हुआ, लेकिन ये कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेक सिग्नल केबल जो भी लिखा आ रहा है,
वो फिलहाल वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसे लाइव देख रहे हैं ना तो ये थोड़ा धुंधला जैसा दिखाई दे रहा है हल्का सा। अगर हम इसमें एक पोलराइजर फिल्म लगा के देखते हैं तो देखिए पहले से काफ़ी डार्क हो गया है, लेकिन ये वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है। एक मिनट ये देखिए, और अब देखिए, हाँ थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ ही रहा है। कैमरे में तो खास पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन ऐसे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क पता यहाँ पे चल रहा है। ये लाइट हो जा रहा है और ये डार्क हो जा रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब इससे पता तो चल ही गया है कि इसका पोलराइज़र फिल्म ख़राब है, और अब हम इसके में नया पोलराइज़र फिल्म लगा के आपको दिखाते हैं, और एक नई टेक्निक भी बताएंगे आपको पोलराइज़र फिल्म हटाने की। इससे ये नया टूल है, इससे आपको पोलराइज़र फिल्म हटाने की भी टेक्निक आपको बताएंगे। ये जो टेक्निक है ना दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको उन पैनलों में ही करनी है जिनमें पिक्चर धुंधली आ रही हो और पोलराइज़र फिल्म पे कोई ख़राबी भी दिखाई ना दे रही हो, तब आपको पोलराइज़र फिल्म एक लगा करके देख लेनी होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नई पोलराइज़र फिल्म खरीद के लाएँ, लेकिन जब भी आप पोलराइज़र फिल्म का यूज़ करें तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें, ताकि कोई ऐसा फॉल्ट हो तो उस टुकड़े को लगा के देख लो, कि उस टुकड़े को लगाने से अगर पिक्चर डार्क हो जा रही है तब तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई पोलराइज़र का फॉल्ट है। ठीक है, और नहीं हो रही है तो समझोगे कि फॉल्ट कहीं और है। तो आइए दोस्तों, अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं, और इससे पहले पोलराइज़र फिल्म को नई टेक्निक से, नए टूल के माध्यम से हम हटा के देखेंगे, और ये देखेंगे समझेंगे कि इससे हमारा काम जल्दी होता है या नहीं होता है। और एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, बिना पैनल को कोई नुकसान पहुंचाए हम पोलराइज़र फिल्म कैसे निकाल सकते हैं। ऊपर का जो हमारा फ्रेम है ना, वो हमने हटा दिया है, पैनल को निकाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, पैनल को वैसे तो जब पोलराइज़र फिल्म आप चेंज करते हैं तो इसे निकाल करके आपको एक प्लेन सतह पर रखना होता है, बिल्कुल प्लेन, उसके नीचे इस टाइप के ना तो गड्ढे हों ना ही कोई उभरा हुआ ऐसा कोई चीज़ हो जिस पे पैनल को दबाने पर वो टूटने का उसका ख़तरा रहे, ऐसी ऐसी चीज़ पे आप ना रखें। अगर आपको किसी टीवी का पैनल बाहर रखना भी है तो बिल्कुल प्लेन जगह पे रखें, उसके बाद आप उसकी पोलराइज़र फिल्म को उतारें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे निकाल कर टेबल पर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर इसमें पीछे ही इसके काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, तो अगर हम दबाव डालेंगे भी ना इसके ऊपर हल्का सा तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको दोस्तों इस टूल के मदद से कितनी आसानी से पोलराइज़र को निकाल सकते हैं तो ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से रख लेना है पैनल को, और उसके बाद जो पोलराइज़र फिल्म है वहाँ पर हल्का सा आपको साइड से इसको उठा लेना है दोस्तों, इस तरह से। इस चाहे तो हम इसका बड़ा हिस्सा भी, ज़्यादा बड़ा हिस्सा भी ले सकते हैं, ये देखिए ये हमने बड़ा हिस्सा ले लिया, और इसको बीच में से थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये हम कट कर देते हैं इसको ऐसे, और अब ऐसे निकालने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर हमारी जो पोलराइज़र फिल्म है ना वो निकल जाएगी ऐसे, ये देखिए कितनी प्यार से निकल रही है, और कुछ ज़्यादा दबाव भी हमें देना नहीं पड़ रहा है पैनल के ऊपर। हाँ, लेकिन कोफ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हल्का सा आपको सावधानी थोड़ी बढ़ा देनी है, और वहाँ पर हल्का धीरे से आपको काम करना है। तो ये देखिए कितना ईजी तरीके से निकल गया। ये जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, ये टूल पुराना है, नया नहीं है, फिर भी ये इतने अच्छे से काम कर रहा है। इसमें लगी हुई जो ब्लेड है ना दोस्तों, ये ब्लेड नई नहीं है, अगर नई ब्लेड हो ना इसमें, नया टूल अगर ये हो तो और भी जल्दी से अच्छे से काम होगा, और भी प्यार से काम होगा। इसको थोड़ा और आसान करने के लिए ऐसे कट लगा लेते हैं इसके ऊपर, ये लीजिए कट लग गया, और अब और देखते हैं।
ध्यान से करना है क्योंकि आगे कोफ आ गया है दोस्तों, बहुत ही प्यार से इतना काम हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिल्म निकाल ली है और बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी काम हुआ है हमारे इस टूल से। तो अब ये लास्ट का जो बचा है इसको हमने इसीलिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगी है कोफ, तो यहाँ पे करना है सावधानी से काम, क्योंकि अगर कोफ कट गई तो पैनल फिर बेकार हो जाएगा, नई कोफ लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से आपको काम करना है उस तरीके से, बहुत ही प्यार से। तो जितना भी काम हो आराम से, उतना आराम से ही यहाँ पर हमें करना है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको बहुत ही प्यार से, देखिए ये बहुत ही हल्के हाथ से हम जो है ना दोस्तों यहाँ पर इसको खींच रहे हैं आगे, बहुत ही प्यार से ये हट रहा है। जी कोक नीचे है, ये हमारी ब्लेड ऊपर से जा रही है, यहाँ पर भी हम तेज़ी से खींच सकते हैं लेकिन हम नहीं खींच रहे हैं क्योंकि कोफ लगा हुआ है ना दोस्तों, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जब इतना काम इतनी जल्दी हो गया तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों उससे। वो कहते हैं ना जल्दबाजी से देर भली, नहीं दुर्घटना से देर भली है ना, ये कहते हैं दोस्तों। ये देखो कितना बढ़िया तरीके से ये हट गई है। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो ग्लू है ना वो भी बहुत ही कम बची है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं बची, तो ग्लू को भी इसे साफ़ कर लेंगे। देखो अब अगली बार जब इसे चलाएंगे ना तो अब इस तरह से हम इसको चला लेते हैं, ठीक है। अब देखो इससे थोड़ा कम हमें रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इतनी सारी फिल्म निकालने के बाद थोड़ी सी ब्लेड की शार्पनेस ख़त्म हो जाती है, तो ये वाली ब्लेड ले लेंगे शेविंग ब्लेड, इसे करते हैं। देखो देखो इसे कितना आसानी से हो रहा है, सारा ग्लू इतने अच्छे से कट रहा है इसे, देखो ये देखो। कोई ग्लू लगाने की जो ग्लू रिमूवर की ज़रूरत नहीं, कोई थिनर की ज़रूरत नहीं है, बस इससे खींच दो ऐसे, ये देखो कितने प्यार से हट रहा है। ये देखो अब बताओ एकदम प्लेन है, किसी भी तरह के थिनर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो चलिए अब इसको अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों पोलराइज़र फिल्म हमने हटा दी है और जो इस पर बची हुई ग्लू थी वो भी हमने ब्लेड की सहायता से हटा दी है, और जो कुछ परसेंट ग्लू रह गई थी, कुछ परसेंट बहुत ही कम, वो हमने फाल्कन स्प्रे से हमने साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर जो फाल्कन स्प्रे है ये भी बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ, वैसे अगर हम ब्लेड से इसको नहीं हटाते ग्लू को तो फाल्कन बिल्कुल समझ के चलो कि आधा खाली हो जाता, ठीक है। तो हमने पहले ब्लेड से किया फिर इससे साफ़ किया, तो क्या है कि हमारा फाल्कन स्प्रे भी बहुत कम यूज़ हुआ और ग्लू भी जल्दी निकल गई, तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है पैनल दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इस पर लगाएंगे पोलराइज़र फिल्म। ये जो पोलराइज़र फिल्म है इसमें उल्टा सीधे का आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें जो ग्लू वाली साइड है ग्लू की तरफ जो रहेगा वो आपने नीचे चिपकाना है, और जिस साइड ग्लू नहीं है वो ऊपर की तरफ रखना है, तो यही आपको चीज़ देखनी है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार मैं आप चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ से मैंने एक पेपर को हटाया, अब यहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन है, कोई ग्लू नहीं है यहाँ पे, तो ये ऊपर आएगा हिस्सा, और इसके पीछे की जो एक और पन्नी लगी होगी ना उसको हम हटा के देखते हैं। यहाँ पे ग्लू चिपक रही है यहाँ, तो ये हिस्सा हमारा नीचे की तरफ रहेगा, तो हमने ये लगा देना है पोलराइज़र इस तरह से, और ये बड़ा आ रहा है पैनल से थोड़ा सा, ये बड़ा है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे ही लगा दें, बाद में एक्स्ट्रा जो है काट दें, और एक तरीका ये है कि पहले ही इसको इसके साइज़ का काट लें, तो ईजी ये रहेगा कि हम पहले इसको चिपका लें फिर बचा हुआ हिस्सा ब्लेड से काट लें, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको लगाने के भी दोस्तों कई तरीके हैं पोलराइज़र फिल्म को, लेकिन आज एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें टाइम तो लगेगा लेकिन बबल आने के चांस जो है ना वो बहुत ही कम रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
थोड़ा सा भी दोस्तों अगर कचरा रह गया ना इस पे, तो वहीं पे बबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाई चांस आपसे बबल आ भी जाए ना दोस्तों, तो आप कस्टमर को दे सकते हैं टीवी वैसे भी, क्योंकि जब टीवी चलता है ना तब वो कोई डॉट दिखाई दे नहीं देते हैं, कोई भी बबल दिखाई नहीं देगा तब। ये तरीका है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चिपकाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन ये है कि बबल आने के चांस कम हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं पोलराइजर फिल्म को लगाते लगाते, और इस तरीके से हम फिल्म को लगा रहे हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन बबल आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो अब आप सोचोगे कि इतने सारे बबल आ गए, तो इनको तो देख के मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन देखते हैं कि ये बबल अंदर के हैं या इसके ऊपर भी दोस्तों एक और फिल्म लगी होती है उसके बबल हैं, उसको उतारेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। और जब तक के लिए ये सस्पेंस बना रहना चाहिए हमारे अंदर कि भैया ये कहाँ से होगा। और एक चीज़ यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम इसको ऐसे दबा रहे हैं ना तो ये आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए हम जब कपड़ा लेंगे, कपड़े से कर देंगे इसको ऐसे, जब हम कोई कपड़ा लेते हैं ऐसे, तब ये भी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और हमारा काम भी स्मूथली होता चला जाएगा। अब पैनल चाहे बड़ा क्यों ना हो, तब भी ऐसे ही काम करना है हमने। अब बड़ा पैनल होगा तो बस वहाँ तक कैसे जाना पड़ेगा। लो जी ये लग गया पोलराइजर फिल्म, अब इसकी कटिंग करनी बाकी है दोस्तों, कटिंग करनी पड़ेगी। ये सीधा कटिंग होना चाहिए, तो उसके लिए शार्प ब्लेड होना चाहिए हमारे पास। शार्प ब्लेड नहीं होता ना तो ये सीधा नहीं कट पाता है, तो शार्प ब्लेड इसके लिए लेंगे। लो जी कट गया, अब आ गई है मुश्किल जगह, कोफ की तरफ। अब यहाँ से कटिंग करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। तो इसको सावधानी से कट करना है।
इसके लिए हम कुछ इंतज़ाम करते हैं दूसरा, जिससे इसकी सेफ्टी हो सके। लो जी, हमने इंतज़ाम कर लिया, हमने स्केलर को यहाँ लगा करके इस तरह से स्केलर की तरफ ही रखना है, प्लेट को आगे की तरफ नहीं जाने देना है, नहीं तो कोफ कट जाएगी। तो हम ऐसे काट लेंगे इसको। इसको यहीं छोड़ते हैं इतना। यहाँ पे भी गेट कोप है, तो यहाँ पर भी सावधानी से कटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर का पेपर हटाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई बबल तो नहीं रह गया है। तो ऊपर की थैली ये है, ऊपर की थैली अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत है, देखते हैं क्या होता है। नहीं आए, एकदम साफ है। लेकिन एक चीज़ दिखा दूँ आपको मैं, एक बार यहाँ पे दिखाना, ये जो आप देख रहे हैं ना हल्के हल्के, ये थोड़े छोटे बबल हैं, तो इनको ऐसे आप दबा दोगे ना तो ये भी ठीक हो जाएंगे। हो गया, ये भी हो गया, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हल्के हल्के बबल को आप ऐसे दबा के ठीक कर सकते हो। और अब हम हमारी जो है लग गई पोलराइज़र फिल्म, और अब हम इसको पावर दे करके आपको दिखाएंगे कि पिक्चर की क्या कंडीशन है। ये जो एक्स्ट्रा फिल्म है, अरे यार लाइट चली गई, पता नहीं कब आएगी। दोस्तों बबल तो यहाँ पर सारे हटे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको आपको बता ही दिया था कैसे हमने उनको हटाना है। तो लाइट का पता नहीं कब आएगी, जल्दी आ गई तो मैं आपको ज़रूर इसकी डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों पोलराइजर फिल्म को कैसे लगाना है और कैसे हटाना है, तो हटाने का तरीका जो टूल से मैंने आपको बताया था वो आपने देखा, और लगाने का जो तरीका आपको मैंने दिखाया, तो उससे क्या होता है दोस्तों, एक अकेला आदमी भी बिना बबल लाए हुए पोलराइज़र फिल्म को लगा सकता है।
तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी जानकारी मिली होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप भी पोलराइजर फिल्म को हटा पाएंगे और लगा पाएंगे। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर LED TV रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोज़ आती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से LED TV रिपेयर करना सीखना, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।